ये फलाम से कहीं से मिल गया, तेरे बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, तो मेरी जिंदगी है, ये फल पकड़ इसको खाने से तो अमर हो जाएगी, तुझे देख देख करके यू ही जिंदा बना रहूंगा। फल दे दिया हाथ में, पिंगला ने हाथ वो वैश्य ने फल हाथ में ले लिया, अस्पताल को भेज दिया। इधर अब वैश्य ने सोचा ये फल मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि यहाँ का राजा जो भर्तरी है सबसे बड़ा दयामान है, सील बनते ही ये फल उन्हें दे दूंगा, वो अमर हो जाएंगे, हम लोगों का यू ही चलता रहेगा मामला, कोई बात नहीं है। वो फल को लेकर गई, राजा भर्तरी के पास पहुंची है, भर्तरी के हाथ में दिया है फल, तो भर्तरी ने जो फल लिया हाथ में, हाँ कैसे आई बोले महाराज फल लाई हूँ, अमर फल है, इसको खाने से प्राणी अमर हो जाता है। भर्तरी ने देखा ये फल मैंने तो कल पिंगला को दिया था, यही फल है तुम्हारे पास कैसे आया? बोले महाराज माफ करना, आपके यहाँ नौकर रहता है, उसने मुझे फल दिया ये। अच्छा बुलाओ अस्पताल, हाजिर हो, अस्पताल को हाजिर किया गया। बोले इसका मतलब है मैं लोग की पहरेदारी भी करते हो, चोरी भी करते हो। बोले महाराज माफ करना, फर्ज मेरा नहीं है, तुमने फल दिया किसको था? बोले मैंने फल तो अपनी पत्नी को दिया था। बोले महाराज बुला लीजिए अपनी पत्नी को, उससे पूछ लीजिए फल उसने हमें वन के बीच में ला करके दिया है। बुलाओ पिंगला को, बुलाया गया पिंगला, हाजिर हो। जब पिंगला जिसमें आई तो लंबो से मुकुट पहले से मारे, क्योंकि और पक्ष गलती हो जाते, तब कहा एक हाथ को ना दो हाथ को घोट मारने, हाँ फिर बोलने की, बोले ये फल तो मैंने तुम्हें दिया था, इसके पास कैसे पहुंचा? पिंगला के होटल पे कोई जवाब नहीं था। अस्पताल का लगा सुनो महाराज हमारी बात, कि आप की नारी जो पिंगला मरिया रानी रे, तीन साल से राजा प्रेम बनो यदि भारी रे, कह रहा सही है। पिंगला के होठ पे कोई जवाब नहीं था, भर्तरी ने मुकुट को निकाला और निकाल करके पिंगला के सामने फेंक दिया, क्योरी पिंगला जिसे जान से ज्यादा चाहा, दरबार से ज्यादा माना, प्यार से ज्यादा चाहा, उसने भरी समाज में ऐसा चाटा दिया, मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। सुनो महाराज करमायर लिखी सोई होगी, अब नारी पिंगला छोड़ भरथरी बन बैठे जोगी, महाराज भरथरी ने नई गुदरी उठाई, अरे गुरु गोरथ के संग में ददा के बाबा जी मोई संग में चोली बनाई,
बाबा जी बोलिए गोविंद भगवान की।